चले चले इधर कर रही கொஞ்சம் ரைட் சைட் ஒன் செகண்ட் मैं आप एक्सप्रेस रुकिएगा रुके कहाँ भाग इधर आप तो भाग भी नहीं सकते ये थोड़ा उधर चला हम लोग को करने दे सेंटर यार गिरा दे गिरा दे बोतल गिरा दे अरे वो बोतल गिरा ना गुलशन सर इधर बात तो मेरे मित्र शशि रंजन ने कहा कि जो एफएल लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं उनका वैक्सीनेशन तो हो रहा है करवा रहे हैं लेकिन उस माली वॉचमैन काम करने वाले धोबी दूध वाला इनको कौन वैक्सीनेशन लगाएगा उसका खर्चा कौन उठाएगा तो इस प्रयास में शशि रंजन ने मुझे बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज हैव बीन रिक्वेस्टेड कि वो काम करने वाले सभी वर्कर घर के एम्प्लॉयज ड्राइवर्स माली गार्डनर्स यू नो धोबी दूध वाला वॉचमैन इन सब की वैक्सीनेशन तो करवाएं उसके साथ साथ जो उसमें पैसे खर्च हो वो सोसाइटीज दें तो मैं इस बात का बहुत सराहना करता हूँ थैंक यू ओवर बात हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं डर रहे हैं वैक्सीन लगवा नहीं रहे बहुत सारी डर
आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि जो महामारी है कुछ आई थिंक वैक्सीनेशन कराने की जो महामारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन कराना, हम सबको पता ही है। एंड आई थिंक ये जो पैंडमिक है ये अभी भी चल रहा है, एंड जिस तरह से सेकेंड वेव ने कितना मतलब डराया है लोग, कितने लोग इससे जूझे हैं, जो पूरी की पूरी चीज हुई है, तो आई थिंक वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट्स ग्रेट कि इस तरह के जैसे वैक्सीनेशन कैंप सेटअप हो रहे हैं, जैसे हमारी भी सोसाइटी में मतलब 55 सोसाइटी विच आर काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर और यहाँ पर वैक्सीनेशन हो गई है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू शशि रंजन अंकल एंड द इंटायर टीम ऑफ वायर भी कि उन्होंने इस तरह का वैक्सीनेशन कैंप सेटअप करा है जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने खुद वैक्सीनेशन ली है, मेरी पूरी फैमिली ने वैक्सीनेशन ली है। जितने भी हम व्हाट्सएप पे चीज़ें पढ़ते हैं, जितने भी हम यू नो सोशल मीडिया पे न्यूज़ पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे लोग डर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है आती कई बार, नहीं पहुँचती कई बार। तो प्लीज़ डोंट फॉलो लाइक फेक न्यूज़ और डोंट फॉलो वट एवर मैसेजेज यू आर गेटिंग ऑन बेसिस ऑफ दैट, आप उसके ऊपर ना करें, कंसल्ट योर डॉक्टर्स। वैक्सीनेशन इज वेरी सेफ, दे एंटायर कंट्री इज टेकिंग वैक्सीनेशन, द एंटायर वर्ल्ड इज टेकिंग वैक्सीनेशन, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या नो आई थिंक नहीं, मैं बोल रही हूँ जो वरुण ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्मेशन सबको सही नहीं मिल रही है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वैक्सीनेशन से कुछ हो जाएगा आपको या कोई और बीमारी हो जाएगी, तो बहुत सारा फेक न्यूज़ जा रहा है। बट वैक्सीनेशन आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है, एंड आई फील कि जितने आपके आसपास लोग हैं जो थोड़ा हेजिटेंट है, आप उनको एजुकेट कीजिए। ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ इंजेक्शन मेडिकेशन लेने के लिए, बट आई फील एजुकेट कर सकते हैं आप, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टाफ है वो काफ़ी डरे हुए थे, तो हम उनको साथ में लेके गए वैक्सीनेशन के लिए कि हम भी साथ में लगाएंगे आपके, तो ये नहीं कि आपको कुछ और होगा हमको कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई फील कि वी जस्ट नीड टू एजुकेट एवरीवन अराउंड अस एंड एक्सप्लेन टू देम दैट द वैक्सीन इज सेफ, एंड यही एक चीज़ है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। आई थिंक वी सेड एवरीथिंग, यही है कि आई थिंक एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है इस कंट्री में, बिकॉज पता नहीं बुरा है कि अच्छा है वो भी पता नहीं है। बस इट्स लाइक अगर हम बच सकते हैं तो बचते हैं, मतलब वैक्सीन भी लेते हैं घर पे बैठते हैं, बट दैट्स नॉट द वे। एक वन एंड ओनली क्योर टू कोरोना सोल्यूशन इज टेकिंग अ वैक्सीन, सो प्लीज़ एवरीवन वी अर्ज यू प्लीज़ वैक्सीन लो ना, प्लीज़ गेट एवरीवन अराउंड यू वैक्सीनेटेड एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज़ वेल। जैसा कि लोग अभी भी इस तरह से कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लगा लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाता है, मैं यही देना चाहूँगा कि प्लीज़ मत डरिए। जितने सारे लोग हैं, हम मतलब यार जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था हम प्रे कर रहे थे यार जल्दी से खत्म हो जाए, इसका इलाज आ जाए, इसका इलाज आ जाए, इसका इलाज आ जाए। अब उसका इलाज आ गया तो हम उस इलाज कराने से हमको नहीं डरना चाहिए। एंड बहुत सी यार जिस तरह से पहले ही बात कर रहे थे, बहुत सी सर्कुलेशन होती है चीज़ें। मैंने एक वीडियो देखी अभी रिसेंटली जिसमें वो बंदा कह रहा था कि आपके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक चिपका के वो मैग्नेटिक चिपक रखी थी, दी एक्चुअल दी अदर पर्सन कनेक्टेड है उसने दूसरी मैग्नेटिक नीचे रखी हुई है ऊपर। इट इज जस्ट दैट यू नो मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुँच रही है विच इज वेरी रॉन्ग। कई लोग वैसे ही यू नो आई थिंक सर्टेन चीज़ों के लिए मजाक में वो चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे किस तरह से हो रहा है। आई थिंक तो ज़्यादातर लोग वायरल होने के लिए ये सब कर रहे हैं कि उनका वीडियो पिकअप हो जाए, वो लोग वायरल हो जाए, एंड ये सारा कंस्पिरेसी थ्योरीज ये सब बकवास है। आई थिंक कि आपको बस अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, एजुकेट करो अपने आप को कि वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं। बचपन से आज तक हम वैक्सीन लेते आ रहे हैं, इस बार क्या अलग हुआ है? एंड हम 2021 में है, तो ऑब्वियसली अगर 90s में अगर कोई वैक्सीन एक डेढ़ साल लग रहा था बनने के लिए, अभी तो ऑब्वियसली बेटर होगा, फास्टर होगा, तो वो डरने की बात नहीं कि अरे एक ही साल के अंदर आपको वैक्सीन मिल गया, तो अच्छी बात है अगर एक साल के अंदर मिल गया, इतना एडवांस्ड है मेडिसिन, आई डोंट थिंक वी शुड डाउट इट सो मच। मतलब वी डोंट डाउट आवर डॉक्टर्स, जब हेडेक सर्दी मलेरिया जो भी तब जो भी डॉक्टर बोलते हैं हम सुनते हैं, अभी दुनिया के सब डॉक्टर्स एक चीज बोल रहे हैं, सो अंडरस्टैंड इट्स सेफ एंड इट्स नीडेड। अरे वरुण को भी बुला लेते हैं।